सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज का वीडियो लेके आ रहे हैं किसान डेयरी फार्म से, करनाल से, और गांव है इनका मंजूरा। मंजूरा गांव से ये वीडियो लेके आ रहे हैं किसान डेयरी फार्म से। काफ़ी सारी वीडियो पहले भी इनके यहाँ से हमने शूट की हैं और आज फिर लगभग मेरे ख्याल से 7-8 वैसे हैं दूध वाली, वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सुरेंद्र भाई, स्वागत है आपका यहाँ पर। जो भी देख रहे हैं उनको सभी को नमस्कार। तो भाई साहब कितनी भैंसें खड़ी हैं टोटल आज? खड़ी हैं भाई साहब 30-32 भैंस खड़ी है टोटल। वैसे वीडियो में आज 10-10 भैंस दिखाएंगे जी। 10 भैंस दिखाएंगे, 30-32 खड़ी हैं वैसे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो भैंसे हैं भाई, ये बिकी हुई हैं या बिकने वाली हैं? भाई साहब ये तो सेल के लिए है। अच्छा। बाकी अंदर 6 भैंसे हैं, वो हैदराबाद जाएंगी, लोडिंग उनकी चल रही है। अच्छा। और जो 30-32 और बाकी रहेगी? बाकी वो दूसरे फार्म पे खड़ी है अपने जी। अच्छा, वो बिक्री वाली है? हाँ बिक्री वाली, वो छोटे मोर के छोटे रेट के वो। ठीक है, तो ये एक नंबर वाली खोल के ले आओ और बताओ इसके बारे में पूरी बात। कौन से ब्यांत की है, कितना दूध है, क्या कीमत है? दूसरे बार की चोटी है भाई साहब। हाँ हाँ, आज छठा दिन ब्याई ने है। हाँ हाँ, और खीस से 14 लीटर से उठी है। कोई भाई कहते 10 लीटर से 8 लीटर से उठती है। हाँ हाँ, 14 से उठी, आज मौके 15 है। इधर लो, इधर फिलहाल मौके पे 15 लीटर तैयार है। और 2 दिन बाद, एक मिनट रुक लो, कोई बात नहीं। हाँ, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद 20 लीटर चेक करके ले जियो। ठीक है, कीमत क्या रखी है? कीमत बिल्कुल जो भी रहेगा फिक्स रेट रहेगा, 1,70,000 रुपये फिक्स रेट है। 1,70,000 रुपये की छोटी बेचनी है। ब्यांत कौन सा ब्यांत? दूसरा जी, दूसरे ब्यांत की है। 1,70,000 रुपये कीमत, बिल्कुल छोटा सिंह, 20 लीटर दूध भाई साहब कह रहे हैं। आज का दूध नहीं देखना, 3 दिन बाद दूध देखना भाई साहब। 3 दिन के बाद? ठीक है ठीक है। तो 14 लीटर दूध फिलहाल, 14 से 15 लीटर मौके पे तैयार है। बहुत ही साफ सुथरी जोटी। इससे आगे खोल ले आओ, 2 नंबर वाली ले भाई। ये भाई साहब, ये भाई साहब बोल ले, दूसरी बार तीसरी बार भी हो सकती है। ठीक है। मौके पे 17 लीटर दूध तैयार है। 17 मौके पे तैयार? हाँ जी। ठीक है, तो क्या कितने की बेचनी है? रेट बिल्कुल फिक्स रेट है इसका, 1.5 लाख रुपए जी। 1,50,000 रुपए कीमत रखी है। हाँ जी, ले आओ भाई, बहुत ही बढ़िया शानदार वैसे। और रेट की हम बात करें तो ये मत समझना कि भाई साहब के रेट ही ज़्यादा हैं। फिलहाल ब्याई हुई वैसे ही मिलना मुश्किल का काम है भाई साहब। 20 लीटर लगातार सुन रहे होगे पिछले दो, दोनों वैसे 20-20 लीटर की है। ऊपर कितना मर्जी निकाल दे, ठीक है, 20 से कम नहीं रहेगी। 20 से कम नहीं रहेगी। ठीक है ठीक है। और ये आगे वाली भाई साहब? ये भाई साहब, भाई साहब कोई भाई 2 टाइम कंडे में तोल के 18 लीटर ले सकता है। हाँ, और रेट बिल्कुल एक ही रेट है। हाँ, 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपये 18 लीटर। हाँ, दूध मौके पे तैयार, मौके पे तैयार है। ठीक है, ये देखिए जी, भैंस का दूध 18 किलो है, रेट 1,00,000 रुपये है। दूध बेचने वाले भाइयों के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट भैंस, मैं इसे कहूँगा। सींग थोड़ा खुला, पूंछ टूटी हुई, थोड़ा में भी टेढ़ापन, इन्हीं सब कारणों से जो है भैंस की टेढ़ापन है, कोई बात है टेढ़ापन है जी। हाँ, इन्हीं सब कारणों से जो कीमत है भैंस की, नहीं तो 18 किलो दूध वाली भैंस से 1.5-1.5-2 लाख रुपए की बिकती हैं आजकल। ये देखिए जी, 3 भैंसे देख चुके हैं। किसी भाई को सुंदर ज़्यादा लेनी है तो सुंदर वाली के पैसे ज़्यादा लगेंगे, और दूध पीने की बेचने के हिसाब की लेनी है तो वो भी खड़ी है भाई के पास। ये भाई साहब पहले भैंस की खीस से खाली सर खर की है, 10 किलो दूध है। अच्छा, 10 किलो दूध फिलहाल तैयार है। तो ये कितने की बेचनी है भाई साहब? ये इसका बिल्कुल फिक्स रेट 1,05,000 रुपया जी। 1,05,000 खोल लो भाई। 10 लीटर दूध खीस से खाली होती हुई जोटी पहले ब्यांत की, और 1,10,000 रुपये कीमत। अच्छा, जो बहुत अच्छा पशुधन है उसके पैसे भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, और अगर लाख सवा लाख के नहीं चला ले तो भी बहुत बढ़िया। ये देखिए जी, बहुत ही सुंदर जोटी पहले ब्यांत की, नीचे से अडर और थन देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया। और काफ़ी ज़्यादा बड़ा नाम है भाई का करनाल के एरिए में भैंस बेचने के हिसाब से। ये बताओ जी, ये भाई साहब दूसरे बार की छुट्टी है? हाँ हाँ, और दूध निकाल के अभी लेके आए हैं। हाँ हाँ, पूरी खाली निकली, 2-3 किलो दूध निकाला था। ठीक है, जुटिया 13-14-15 लीटर दूध निकाल देगी। ठीक है, कीमत क्या रखी है? इधर ही लो। हाँ, इधर ले। कीमत क्या रखी है इसकी? बिल्कुल फिक्स रेट है भाई साहब 1,25,000 रुपये। 1,25,000। हाँ, साफ सुथरी जोड़ी है। कौन से ब्यांत में है? सेकंड की है भाई साहब, दूसरे ब्यांत की है। हाँ, ठीक है। ये देखिए जी, बहुत ही बढ़िया साफ सुथरी भैंस खीस में अभी जो है भाई के पास।
तो ये जो 18 किलो वाली आपने दिखाई बीच में जिसकी पूंछ छोटी है भाई साहब, अगर इस टाइप की कोई 10-20 भैंसे लेना चाहे तो कर दोगे अरेंज? भाई साहब एकदम मौके पे होती नहीं, उस भाई को एडवांस करना पड़ेगा कुछ न कुछ, हम भी तभी खरीद के लेके आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, इसकी तसल्ली अपना कोई भाई, सारी भैंसे की तसल्ली है, कहीं से भी ले यार मेरे से नहीं ले, दो टाइम तीन टाइम चेक करके ले। ठीक है ये खोलो भाई, ये बताओ ये भी सेकंड टाइम की चूटी है जी, दूसरे ब्यांत की है, 12 किलो दूध इस टाइम, 12 किलो मौके पे तैयार है, तैयार है जी। और इसकी क्या कीमत होगी? इसके 95,000 रुपये जी, 95,000, कच्ची भी आई है बिल्कुल? बिल्कुल कच्ची है जी। अच्छा आजकल ब्यांत कम है आपके पास, पशुओं की भरमार है भाई। तो ये देखिए जी आगे एक और जोटी दूसरे ब्यांत की, 95,000 रुपये कीमत है जी, ले आओ भाई, ले लिया 95,000 रुपये इसकी कीमत है। और इससे आगे फिर ये भैंस भाई, इसमें भी 12 किलो मौके पे तैयार है जी भी। ठीक है और बिल्कुल फिक्स रेट 96,000 रुपये जी, 96,000 फिक्स रेट है, फिक्स रेट है जी, एक रुपया भी कम, एक रुपया नहीं पता क्या जी, तभी मांगने में 1.25 मांग लो 30 मांग लूंगा, फायदा नहीं उस चीज का ना कोई आए, बिल्कुल रेट बिल्कुल जेन्युइन है जी अपना, जो भी बताया बिल्कुल जेन्युइन रेट है जी। ठीक है ठीक है, ये खोलो आगे वाली, ये भाई साहब ब्याने वाली है, गब्बन है जी। अच्छा कितना दूध दे देगी भाई साहब? निकालना चाहिए 17-18 लीटर जी, 17-18। और इसकी कीमत? इसकी कीमत 1,20,000 रुपये भाई साहब, 1,20,000 इस टाइम मौके की, मौके की ब्याने के बाद दूध तैयार कर लेगी। इधर लो भाई, इधर ब्याने के बाद अगर दूध तैयार कर लेगी तो दूध तैयार कर लेगी, कुछ और होगी अगर हमारी किस्मत नहीं कुछ और कम हो जाएगी। ठीक है ये है जी, ले आओ भाई, बहुत ही बढ़िया 1,20,000 रुपये, ये भी दिखानी है? हाँ जी। अच्छा कटड़ियाँ? हाँ जी। तो ये बिकी हुई है या बेचना? ना जी नहीं, खरीद ली थी जी, हाँ ये 18 महीने कटड़ी है जी, हाँ 45,000 रुपये रेट है इसका। ठीक है 45,000। ठीक है ये 4 महीने की गैप बने जी, हाँ 60,000 रुपये रेट है इसका जी, 4 महीने की गैप। माँ बाप कैसे हैं इनके? उसका पता जी, उसका बढ़िया है, इसका कुछ नहीं पता माँ बाप का। ठीक है ठीक है, जो जो बात है वो क्लियर है। इसका माँ बाप का हमें पता नहीं किसकी है किसकी नहीं, और इसके पता है अपने पड़ोस में लिया है, 14-15 लीटर दूध निकाला है इसकी माँ ने। ठीक है ठीक है, अपने बुल की है। ठीक है ठीक है, जो अपने पास घर पे अपने घर वाला बुला उसकी कटी है। ठीक है तो ये देखिए जी, वैसे किसान डेयरी फार्म से वीडियो लेके आए, जो भी भाई जुड़े हैं भैंस लेना चाहते हैं इनके यहाँ संपर्क कर सकते हैं, सभी भाई जो भी लास्ट तक बने रहे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान डेयरी फार्म से आप संपर्क कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी की भैंसों के लिए, स्पेशल जो ये दो भैंसे 1 नंबर और 2 नंबर पे भाई साहब ने दिखाई, इनके बारे में आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कैसी लगी।